वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनपीसीएल और बीएआरसी स्पेशल मॉडल सेट में आप सभी का साथ शेयर कर रहा था। अभी तक 5 मॉडल सेट में आप सभी का साथ शेयर कर पाया हूँ। कल एनपीसीएल रावतभाटा का एग्ज़ाम कंप्लीटेड हो गया है। जो भी स्टूडेंट का बीएआरसी में एग्जामिनेशन है वो सभी स्टूडेंट के लिए और भी 5 मॉडल सेट में प्रोवाइड करूँगा। जो भी स्टूडेंट एनपीसीएल एग्ज़ाम देने के लिए मॉडल सेट देख के गए थे और मेरा पीवीएस वीडियो देख के गए थे, वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन आया था, 46 प्लस क्वेश्चन कॉमन आया था। 3-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन सभी कॉमन आया था। कोई ना कोई क्लास में मैं सॉल्व करा दिए थे। और 5 जो मॉडल सेट में प्रोवाइड किया था उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं डिस्कशन करता हूँ एक्स्ट्रा, तो उसमें से कॉमन आया है। तो और 5 क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगा, तो बार स्पेशल टोटल 10 क्लासेस हो जाएगा। और पहले से मेरा एडवांस टेस्ट के लिए 5 क्लासेस था, टोटल 15 क्लास रहेगा। और बाकी मेरा चैनल में जितना भी वीडियो है हर एग्ज़ाम के लिए, हर टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप लोग टोटल वीडियो देख के जाना और आप लोगों का जो रेगुलर स्टडी है वो करके जाना, तो आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो आज से सेम टू सेम जैसे मैं पहले क्लास प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही आज का क्लास में 50 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, 50 क्वेश्चन के लिए टोटल 150 मार्क्स रहेगा, जैसे आप लोग का एग्जाम में होता है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, मतलब एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोग का डिडक्ट हो जाएगा। इसका हिसाब से आप लोग आंसर देते जाना। 50 क्वेश्चन ही मैं डिस्कशन करूँगा। मैं आंसर बताने से पहले ऑप्शन को बताऊँगा, तो ऑप्शन बताने का टाइम आप लोग मेरा आंसर सुनने से पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसमें से आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग का प्रिपरेशन कितना है और आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है, कितना क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग ईमानदारी के साथ पूरा क्लास को देखिए। आज का क्लास बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि आज तक जो 5 क्लासेस मैं प्रोवाइड किया हूँ मॉडरेट लेवल का पेपर था। आज का पेपर थोड़ा हार्ड है, 45 प्लस अगर किसी को मार्क्स मिल रहा है तो उसका प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया है, वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आपको स्टडी मटेरियल्स और रेगुलर स्टडी वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएगा मेरा चैनल से, ओके। तो आज का क्लासेस मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ, बोला है हाई टेम्परेचर टेम्परिंग जो हम लोग करते हैं तो इसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए टेम्परिंग हम लोग क्यों करते हैं। कोई भी एक स्टील है उस वो अगर ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो उसका ज़्यादा हार्ड होने का कारण वो ब्रिटलनेस उसका अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और उसका अंदर शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, या आप बोल सकते हैं टफनेस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो टेम्परिंग प्रोसेस करते कैसे, ये अगर आप लोग को मालूम है तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो हाई टेम्परेचर टेम्परिंग जो प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर रेंज कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 200 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए टेम्परिंग हम लोग करते कैसे। कोई भी एक हार्ड एंड स्टील है तो इसको हम लोग फिर से रीहीट करते, कितना टेम्परेचर में रीहीट करते, बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग रीहीट करते, ठीक है। मतलब 400 डिग्री से कम टेम्परेचर में हम लोग उसको रीहीट फिर से हीट करते, उसका बाद हम लोग उसको ठंडा करते हैं, ओके। तो हाई टेम्परेचर टेम्परिंग का टेम्परेचर रेंज कितना हो सकता है, तो 400 का अंदर ही होगा। तो 400 का अंदर होगा मतलब क्या हो जाएगा, 200 से 500 जो ऑप्शन दिया है यही अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ही कहते हैं कि हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, ठीक है। तो आप लोगों को जानना चाहिए टेम्परिंग का पर्पज़ क्यों होता है, किस पर्पज़ में हम लोग टेम्परिंग करते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है जो हार्ड एंड स्टील होता है उसका अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। इसका बाद जो हार्ड एंड स्टील होता है
उसका हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए कितना हार्डनेस बढ़ाना पड़ेगा या कितना हार्डनेस कम करना पड़ेगा, कितना टफनेस बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं, उसका अंदर थोड़ा डक्टिलिटी ऐड करने के लिए करते हैं, उसका अंदर थोड़ा शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डालने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टूल लाइफ इज अफेक्टेड ड्यू टू, टूल लाइफ किसके कारण प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए साइज ऑफ द टूल, टूल का साइज का कारण। ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ द जॉब, जॉब का साइज का कारण। ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ मशीन, मशीन का टाइप का कारण। ऑप्शन नंबर डी कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड का कारण। तो टूल लाइफ किसका कारण सबसे ज़्यादा इफेक्टेड या प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड का ऊपर टूल लाइफ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक हाई स्पीड स्टील है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होता है तो हाई स्पीड में क्या होता है, जल्दी जल्दी इसका हार्डनेस को एक खो जाता है और ये जल्दी जल्दी वेयर आउट हो जाता है, मतलब एक ख़राब हो जाता है ये टूल, हाई स्पीड टूल, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे बात करता है कार्बाइड टूल का बात करता है, ठीक है, तो कार्बाइड टूल को अगर हम लोग हाई स्पीड में चलाते हैं तो ये ठीक ठाक रहता है, इसको अगर हम लोग लो स्पीड में चलाते हैं तब क्या होता है, ये टूल जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो टूल लाइफ किसका ऊपर डिपेंड करता है, कटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ गया ना फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टील वर्क पीस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टू बी मशीन्ड विथ ए HSS मिलिंग कटर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेक एंगल इज बेस्ट सुइटेड फॉर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टील वर्क पीस है जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, इसको अगर हम लोग हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर से कटने जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए रेक एंगल कितना रखना चाहिए, सबसे सूटेबल रेक एंगल कितना होना चाहिए। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 28 डिग्री। तो कोई भी अगर एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला स्टील वर्कपीस को हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर से अगर हम लोग मशीनिंग करने जाते हैं तो उसके लिए सूटेबल रेक एंगल होता है 8 डिग्री, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो कभी कभी आप लोग को बोलता है कि HSS मिलिंग कटर जो होता है इसका हार्डनेस कितना होता है, 62 HRC होता है, ओके, 62 HRC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी, थ्रेड रोलिंग में ब्लैंक डायमीटर किसका साथ बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन द रोलिंग ऑफ द बैंगल, चूड़ी को बेलने में इस्तेमाल किया जाने वाला खाली व्यास है। ऑप्शन नंबर बी ए लिटिल लार्जर देन द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का माइनर डायमीटर से थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच डायमीटर के साथ इक्वल होता है ब्लैंक डायमीटर। ऑप्शन नंबर डी ए लिटिल लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच डायमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड रोलिंग करते टाइम हम लोग का ब्लैंक डायमीटर किसका साथ बराबर होता है, इक्वल टू द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर डी दे सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लैंक डायमीटर मतलब क्या होता है, थ्रेड काटने से पहले जो शाफ्ट का डायमीटर होता है, सोचो एक शाफ्ट है, ऐसे शाफ्ट का एक्सटर्नल हम लोग को थ्रेड काटना है, तो एक्सटर्नल थ्रेड काटने से पहले जो शाफ्ट हम लोग टर्निंग करते हैं और उसका जो साइज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैंक डायमीटर, ठीक है। तो ब्लैंक डायमीटर जो थ्रेड कटने का बाद जो मेजर डायमीटर होता है उससे ब्लैंक डायमीटर कम होता है, क्योंकि जब भी ब्लैंक डायमीटर के ऊपर हम लोग थ्रेड करते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ओके। तो वैसे ही थ्रेड रोलिंग में जो ब्लैंक डायमीटर होता है वो पिच डायमीटर के साथ समान होता है, ओके, समझ में आ गए हैं। और ब्लैंक डायमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ये भी तो आप लोग जानते हैं, ब्लैंक डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, डायमीटर माइनस पिच बटा 10 हो जाएगा, ओके। तो डायमीटर जितना दिया रहेगा, मतलब थ्रेड कटने के बाद जो डायमीटर बोला रहेगा, अगर ऐसे 12 दिया रहता है, ओके, और पिच अगर 1.75 दिया रहता है तो 1.75 बटा 10 हो जाता, ओके। इसका बाद क्या हो जाता, 12 माइनस क्या हो जाता, 0.175 मिलीमीटर हो जाता, ओके। तो इसका अप्रोक्स
कितना आंसर आ जाएगा, 11.825 आ जाएगा। ओके, तो ए हो जाएगा थ्रेड कटने से पहले ब्लैंक डायमीटर। समझ में आ गया है ना। तो थ्रेड रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं कोई भी नाट या बोल्ट का ऊपर थ्रेड को बनाने के लिए। और इस प्रोसेस में थ्रेड को हम लोग फॉर्म करते हैं, इसमें कोई भी चिप्स नहीं प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस होता है, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। कैसे थ्रेड रोलिंग करते हैं वो भी मैं आप लोग को पिछला क्लास में भी बता दिया हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। द टैप यूज टू कट द थ्रेड इन द ब्लाइंड होल टू ए करेक्ट डेप्थ इज। ब्लाइंड होल में धागे को सही गहराई तक काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टैप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फास्ट टैप, ऑप्शन नंबर बी बॉटमिंग टैप, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी टैप, ऑप्शन नंबर डी रफर टैप। तो ब्लाइंड होल मतलब क्या होता है, कोई भी एक वर्कपीस है इसका जो फुल डेप्थ होता है, इधर तक अगर हम लोग फुल डेप्थ तक अगर होल नहीं बनाते, मतलब आधा डेप्थ तक अगर होल बनाते, ये होल को ब्लाइंड होल कहते हैं। ओके, तो इस ब्लाइंड होल में करेक्ट डेप्थ के साथ अगर थ्रेड को कटना है तो हम लोग के लिए कौन सा टैप यूज़ करना है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बॉटमिंग टैप मतलब प्लग टैप का इस्तेमाल करते हैं। आप बोल सकते हैं थर्ड टैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थर्ड टैप का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं करेक्ट डेप्थ तक हम लोग ब्लाइंड होल में थ्रेड को कट सकते हैं। ओके, तो थर्ड टैप का ऑपोजिट नेम, थर्ड टैप का अनदर नेम क्या होता है, बॉटमिंग टैप या प्लग टैप होता है। सेकेंडरी टैप का अब दूसरा नाम क्या होता है, इंटरमीडिएट टैप होता है। ओके, और फर्स्ट टैप का अनदर नेम क्या होता है, टैपर टैप होता है। टैपर टैप में 4 डिग्री का एंगल रहता है, सेकेंडरी टैप मतलब इंटरमीडिएट टैप में 10 डिग्री एंगल रहता है, और थर्ड टैप मतलब बॉटमिंग टैप या प्लग टैप में 20 डिग्री का एंगल रहता है, बिवेल लीड का एंगल रहता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज वर्क होल्डिंग डिवाइस इन ए लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़ाद में सबसे सटीक कर्जो धारण करने वाला उपकरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जा चक, ऑप्शन नंबर बी 4 जा चक, ऑप्शन नंबर सी कॉलेट चक, ऑप्शन नंबर डी ड्राइविंग प्लेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कॉलेट चक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए लेद मशीन पर वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन सा होता है और वर्क सपोर्टिंग डिवाइस कौन सा होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्क होल्डिंग डिवाइस मतलब ये डिवाइस या ये एक्सेसरीज जॉब को होल्ड करता है, वर्क को होल्ड करता है। ठीक है, जैसा इसका एग्जाम्पल होता है फोर्जा चक, थ्रीजा चक, फेस प्लेट, लेद मैंड्रिल। ओके, ये 4 एग्जाम्पल होते हैं। और वर्क सपोर्टिंग डिवाइस मतलब क्या, ये जॉब को होल्ड नहीं करता, जस्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, कैच प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, लेद सेंटर होता है, लेद कैरियर होता है और स्टेडी रेस्ट होता है। ठीक है, तो इतना सारा एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर स्टूडेंट के बीच में इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, कौन सा वर्क सपोर्टिंग डिवाइस होता है। तो आप लोग को जानना चाहिए कॉलेट चक कैसा होता है और इसका हम लोग कब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग चक होता है, जैसे सेल्फ सेंटरिंग चक होता है जिसको 3 जा चक बोलते हैं, इंडिपेंडेंट चक होता है जिसको 4 जा चक बोलते हैं, कॉम्बिनेशन चक होता है जिसमें हम लोग रेगुलर इरेगुलर दोनों वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक चक होता है, मैग्नेटिक चक में क्या होता है, थीन थीन जो फेरस मेटल होता है क्योंकि मैग्नेट जैसे काम करता है, मैग्नेट का मदद से ये जॉब को होल्ड कर पाता है, तो थीन थीन जो फेरस मेटल होता है जिसमें आयरन रहता है उसको ही तो मैग्नेटिक चक चक अट्रैक्ट करेगा ना। तो थीन थीन जो फेरस मेटल जॉब होता है लाइक वाशर जैसा जो जॉब होता है उसको होल्ड करने के लिए मैग्नेटिक चक का इस्तेमाल करते हैं। कॉलेट चक का कब इस्तेमाल करते हैं, जब रेगुलर शेप वर्कपीस होता है, जैसे राउंड शेप वर्कपीस होता है या ऐसे कोई भी स्क्वायर शेप वर्कपीस होता है या हेक्सागोनल वर्कपीस होता है, तब हम लोग कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉलेट चक किस मटेरियल से बना हुआ होता है, हार्डेंड स्टील से बना हुआ होता है, हार्डेंड स्टील से बनता है। ठीक है, और इसका लेंथ वाइज स्लीट रहता है मतलब स्लॉट कटा हुआ रहता है, और ये 3 टाइप्स में अवेलेबल होता है। सबसे पहला टाइप पुश आउट चक, सबसे पहला टाइप पुश आउट चक, इसमें क्या होता है,
कॉलेट जो क्लोज होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लोज होता है, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जब भी आगे बढ़ेगा तो वो क्लोज होते जाएगा। और इसका बाद होता है सेकेंड टाइप होता है ड्रॉ इन चक। ड्रॉ इन चक में क्या होता है, जो क्लॉट कॉलेट होता है वो क्लोज होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए, ड्रॉ इन चक में कॉलेट क्लोज होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और डेड लेंथ बार चक जो होता है, डेड लेंथ बार चक जो होता है, ये मॉडर्न मशीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग रेगुलर शेप जॉब को होल्ड कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है कौन सा चक हम लोग मॉडर्न मशीन पर इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडर्न मशीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेड लेंथ बार चक, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाता है कौन सा कॉलेट को क्लोज करते हैं हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब हो जाता है ड्रॉ इन चक, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं इसका सपोर्टिंग क्वेश्चन का हिसाब से मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइविंग प्लेट का, तो ड्राइविंग प्लेट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, जो वर्कपीस होता है उसको हम लोग होल्ड करते हैं दोनों सेंटर का बीच में, और उसके बाद उसको ड्राइव करते हैं। दोनों सेंटर मतलब क्या होता है, एक होता है लाइव सेंटर और एक होता है डेड सेंटर। तो इन दोनों सेंटर के बीच में जॉब को हम लोग होल्ड करते हैं और इसको हम लोग ड्राइंग मतलब ड्राइविंग करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया है। और फेस प्लेट का अगर बात करता, जो एक ऐसा जॉब होता है इरेगुलर जॉब होता है, वो अगर कोई भी प्लेट में या कोई भी चक में अगर उसको हम लोग होल्ड नहीं कर पाते, तब हम लोग फेस प्लेट में उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर से ऑफिस को होल्ड करने के लिए हम लोग फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लेथ कैरेज सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस ऑफ द टूल। लेथ कैरेज टूल को क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए गाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर सी फीडिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो लेथ कैरेज होता है उसमें हम लोग टूल को सपोर्ट कर सकते हैं और उसको गाइड भी करते हैं और उसको हम लोग टूल को फीड भी देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसरो में दो बार क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी कटिंग टूल को लेथ का कौन सा पार्ट होल्ड करते हैं, तो कैरेज भी होता है और टेल स्टॉक भी होता है। तो दोनों राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि कैरेज भी होल्ड कर सकते हैं कटिंग टूल को और टेल स्टॉक में हम लोग ड्रिल को भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि कटिंग टूल को हम लोग उसमें होल्ड भी कर सकते हैं और उसको मूव भी कर सकते हैं। तो कौन सा पार्ट होता है लेथ मशीन का, तो टेल स्टॉक भी होता है और कैरेज भी होता है। कैरेज का जनरली दो पार्ट होता है, मेजर पार्ट एक होता है एप्रॉन और दूसरा होता है सैडल, ओके। सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए एप्रॉन कहाँ पर रहता है, जो लेथ बेड होता है उसमें वी ग्रूव रहता है, वी ग्रूव का ऊपर एच शेप में रहता है सैडल, सैडल का फ्रंट पोर्शन में हम लोग एप्रॉन को फिक्स करते हैं। तो कैसे हम लोग फिक्स करते हैं, बोल्ट का मदद से, नट और बोल्ट का मदद से हम लोग एप्रॉन को सैडल का साथ फास्टनिंग करते हैं। और एप्रॉन का मदद से या इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मूविंग एंड कंट्रोलिंग द कैरेज, कैरेज को मूव करता है और कंट्रोल करता है। तो इसका मैकेनिज्म रहता है एप्रॉन में, ठीक है। और इसका मेजर पार्ट क्या क्या होता है, जैसे ट्रैवर्सिंग हैंड व्हील होता है, फीड लीवर होता है, फीड सिलेक्टर होता है, लीड स्क्रू एंगेजमेंट लीवर होता है, इतना सारा एप्रॉन का पार्ट होता है। इसका बाद आपको जानना चाहिए सैडल क्या होता है, जो ऐसे लेथ बेड होता है लेथ बेड का ऊपर एज शेप में रहता है सैडल, ओके। और इसका ऊपर में तो एज शेप देखने को लगता है, इसका नीचे जो पार्ट होता है क्योंकि वो लेथ बेड में वी ग्रूव रहता है, तो वी गाइड ग्रूव का साथ उसको मैच करने के लिए उसका भी नीचे वी गाइड ग्रूव रहता है, ठीक है। तो ये तो सैडल होता है, सैडल का ऊपर क्या रहता है, क्रॉस स्लाइड रहता है, क्रॉस स्लाइड का ऊपर रहता है कॉम्पाउंड रेस्ट, कॉम्पाउंड रेस्ट का ऊपर रहता है टॉप स्लाइड, ठीक है। तो टॉप स्लाइड क्या करता है, टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है टूल को होल्ड करने के लिए, मतलब जो टॉप स्लाइड होता है उसमें रहता है, और वो क्या किसको सपोर्ट करता है, टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है कटिंग टूल को होल्ड करने में, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, टॉप स्लाइड होता है, टॉप स्लाइड टूल पोस्ट को होल्ड करता है कटिंग टूल को सपोर्ट करने में, समझ में आ गया है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ किसका बाद या किसका ऊपर क्या क्या रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड फॉर रेडिएशन हैजर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विकिरण के खतरे के लिए प्रयोग किया जाता है,
ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी पर्पल, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। तो इसमें आपको क्या बोला है, रेडिएशन हैजर्ड, मतलब विकिरण के खतरे के लिए हम लोग कौन सा कलर का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा रंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हो जाएगा पर्पल कलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नया नया क्वेश्चन आज का क्लास में आप लोग को देखने को मिलेगा, पूरा क्लास आप लोग देखिए और जितना हो सके आप लोगों का तरफ से आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कॉन्टेंट, कमरे के तापमान पर प्लेन कार्बन स्टील का अंदर क्या क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए फेराइट एंड सीमेंटेट, ऑप्शन नंबर बी फेराइट एंड पियरलाइट, ऑप्शन नंबर सी पियरलाइट एंड सीमेंटेट, ऑप्शन नंबर डी फेराइट सीमेंटेट एंड पियरलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्लेन कार्बन स्टील का अंदर तीनों स्ट्रक्चर ही रहता है, फेराइट सीमेंटेट और पियरलाइट रहता है। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा स्टील कौन सा होता है, पियरलाइट स्टील होता है, जिसमें कितना परसेंटेज कार्बन रहता है, 0.84% कार्बन रहता है, जिसको यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं, ठीक है। और 0% कार्बन को क्या बोलते हैं, 0% कार्बन जिस स्टील में रहता है उसको फेराइट बोलते हैं, ओके। और अगर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सीमेंट का तरह हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमेंटेड कहते हैं, ठीक है। इसको सीमेंटेड को आयरन कार्बाइड भी कहते हैं, समझ में आ गया है। और आप लोग को जानना चाहिए प्लेन कार्बन स्टील में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, फॉर हीटिंग होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और अगर आप लोग को कूलिंग का बात करता है तब हो जाता है 693 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आ गया है। तो ऐसे आप लोग को जानना चाहिए, एक ग्राफ मैं आप लोग को बता देता हूँ, ग्राफ से आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। एक ऐसे ग्राफ होता है, इसमें क्या रहता है, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है और इसमें रहता है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें 0% कार्बन, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते, इसके बाद 0.84% कार्बन, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ओके। इसके बाद सोचो 1 है, तो ऐसे कार्बन परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। तो जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, प्लेन कार्बन स्टील में सभी स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी के लिए सेम होगा। तो जब भी कोई भी सोचो जिसका कार्बन परसेंटेज सोचो 0.1% है, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी हम लोग हीट करते हैं तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंच गया। तो इसमें कार्बन परसेंटेज कम रहता है, इसीलिए इसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा होगा, ओके। तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी ये पहुंचते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में जब भी ये पहुंचता है, एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नया स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जो नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन परसेंटेज कम है, इसलिए इसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा सोचो इधर होगा, ओके। इसका बाद सोचो 0.5% है, तो इसका कार्बन परसेंटेज तो पहले से ज़्यादा है, 0.1 से ज़्यादा है। तो इसका बाद क्या होगा, इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा, तो पहले तो इधर था, इसका सोचो इधर तक हुआ, ओके। जिसका कार्बन परसेंटेज जितना बढ़ते जाएगा उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही कम होते जाएगा, ये होता है इसका फैक्ट, समझ में आ गया है। तो ऐसे ही सोचो जो स्टील है जिसको हम लोग 723 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किए हो, उसका बाद उसका नया स्ट्रक्चर बनते जाएगा। तो जब भी ऐसे 723 डिग्री से उसका नया स्ट्रक्चर बनते जाएगा, मतलब वो क्या होता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है। तो उसको जब भी हम लोग अगर रैपिडली कूलिंग करेंगे, जल्दी जल्दी अगर हम लोग कूलिंग कर देते तो जो स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आता है। मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड में गया है और नया स्ट्रक्चर बनते गया, नया स्ट्रक्चर क्या बना है, ऑस्टेनाइट बना है। उसको अगर हम लोग तुरंत मतलब रैपिड कूलिंग कर देते तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है, जो वेरी फाइन और वेरी हार्ड और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर होता है। ऑस्टेनाइट तो नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर था, लेकिन मार्टेनसाइट क्या होता है, मैग्नेटिक और वेरी हार्ड और वेरी फाइन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है, समझ में आ गया है। क्या क्या फैक्ट मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, इस साइन बार इज अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए साइन बार। मतलब साइन बार स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल होता है, लेकिन इन चार ऑप्शन में से कौन सा साइन बार का एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है, 100 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी 300 mm इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, साइन बार से तीन चार क्वेश्चन पूछे जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है साइन बार किस मेटेरियल से बनता है, तो स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनता है। ओके, और ये टोटली इसका मेजरिंग फेस लैपिंग किया हुआ रहता है, बहुत ही अच्छा इसका फिनिशिंग होता है। ओके, और साइन बार का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, साइन बार का इस्तेमाल स्लिप गेज के साथ इस्तेमाल करके हम लोग टेपर एंगल को मेज़र कर सकते हैं। कोई भी टेपर एंगल जो होता है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। टेपर इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं, ओनली एक्सटर्नल एंगल को, ठीक है। और एग्जाम में पूछे जाता है साइन बार का एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिनट होता है, मतलब वन ईयर बिवियल प्रोटेक्टर से भी ज़्यादा प्रिसिशन होता है। और साइन बार का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, साइन बार का 2 रोलर रहता है, प्रिसिशन रोलर रहता है, इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसका हिसाब से साइन बार का लेंथ हम लोग लेते हैं। ओके, साइन बार कितना डिग्री एंगल तक मतलब टेपर एंगल को मेज़र कर सकते हैं, तो 45 डिग्री एंगल तक टेपर एंगल को मेज़र कर सकते हैं। तो साइन बार का बीच बीच में होल प्रोवाइड हम लोग करते हैं। तो क्यों प्रोवाइड करते हैं, होल प्रोवाइड करने का कारण होता है टू हैंडल द साइन बार इजीली, मतलब साइन बार को इजीली हैंडलिंग करने के लिए। उसका अगर होल अगर अंदर नहीं रहेगा तो क्या हो, ज़्यादा मटेरियल रहेगा उसको भारी हो जाएगा, उसको इजीली हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम हम लोग का होता है, तो इसीलिए हम लोग उसका अंदर होल बना दे तो वेट भी कम हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको इजीली हैंडलिंग कर सकते हैं। ओके, तो टू हैंडल द साइन बार इजीली इसका एक्चुअल ऑप्शन या आप बोल सकते हैं एक्चुअल आंसर होता है। ओके, तो जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टॉलरेंस ऑन जिग शुड बी, जिग पर सहनशीलता डैश होना चाहिए, तो जिग पर टॉलरेंस कितना होना चाहिए, 5% टॉलरेंस ऑन द जॉब, जॉब में जितना टॉलरेंस रहता है उसका 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 20-50% टॉलरेंस ऑन द जॉब, ऑप्शन नंबर डी 100% ऑफ द टॉलरेंस ऑन द जॉब, जॉब में जितना टॉलरेंस रहता है उसका 20-50% टॉलरेंस होना चाहिए जिग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको टॉलरेंस कहते हैं। जिग क्या होता है इसका बारे में आप लोग बहुत ही अच्छा से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी क्यूबिक फीट इन 12 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्सीमेटली, 12 घन मीटर में कितने घन फीट होते हैं लगभग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 424, ऑप्शन नंबर बी 465, ऑप्शन नंबर सी 536, ऑप्शन नंबर डी 572, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 424, ठीक है। क्योंकि आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू होता है 35.314 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.314 अगर क्यूबिक फीट होता है, तो 12 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 × 35.314 क्यूबिक फीट हो जाएगा। तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 423 point something आ जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 424 का साथ इक्वल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डबल इन असेंबली टेक्निक, असेंबली टेक्निक में डबल का उपयोग क्यों करते हैं, ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ टू और मोर पार्ट्स, दो या दो से ज़्यादा पार्ट को एक्यूरेट पोजिशनिंग करने के लिए, मतलब स्थान देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिंग कॉम्पोनेंट टुगेदर, दो कॉम्पोनेंट को अच्छे से सिक्योर करने के लिए, बांधने के लिए, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट द नीड फॉर ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग का जहाँ पर ज़रूरत है उसको ज़रूरत को मतलब एलिमिनेट कर देने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फीट, आप फीट का एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ टू और मोर पार्ट। सोचो कोई भी एक ऐसा पार्ट है तो इसमें रहता है डबल पिन रहता है, ओके, और इसमें एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, तो जिसमें रहता है डबल ऐसे होल रहता है, ठीक, ऐसे होल रहता है, तो इसमें डबल पिन आता है और इन दोनों पार्ट को इस होल का अंदर जाता है और एक्यूरेट पोजिशनिंग करते हैं, और कभी कभी एक्यूरेट पोजिशनिंग का जगह हिडन फास्टिंग भी देता हो, तो हिडन फास्टिंग अगर ऑप्शन में है तो हिडन फास्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगर नॉर्मली फास्टनिंग अगर रहेगा तो फास्टनिंग पर्पज़ के लिए नहीं होता, हिडन फास्टनिंग जब ऑप्शन में रहेगा तो हिडन फास्टनिंग के लिए डबल पिन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट, निम्नलिखित में से कौन सा
एक इंटरफेरेंस फिट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए फोर्स फिट, ऑप्शन नंबर बी रनिंग फिट, ऑप्शन नंबर सी स्लाइडिंग फिट, ऑप्शन नंबर डी पुश फिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, फोर्स फिट। ठीक है, फोर्स फिट, श्रिंकेज फिट, एक्सपेंशन फिट, ये सभी फिट इंटरफेरेंस फिट का अंदर आता है। रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट इन दोनों फिट क्लियरेंस फिट का अंदर आता है। पुश फिट और डिंगिंग फिट आता है ट्रांजिशन फिट का अंदर। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। मशीनिंग ऑफ इरेगुलर एंगुलर एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्कुलर सर्फेसेस, अनियमित कोणीय या बाहरी और आंतरिक गोलेकर सतह की मशीनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं, मिलिंग मशीन, स्लॉटर मशीन, लेद मशीन या सेपर मशीन। तो इसमें आपको इरेगुलर एंगुलर एक्सटर्नल इंटरनल सर्कुलर सर्फेस का बात जब किया है तब इसका इसके लिए हम लोग को स्लॉटर मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इस क्लास में देखने को मिलेगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। बोला है वॉशर इज जेनरली स्पेसिफाइड बाय इट्स, वॉशर को आमतौर पर इसका डैश द्वारा निर्दिष्ट या स्पेसिफाई या स्पेसिफिकेशन हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आउटर डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी होल डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी थिकनेस, ऑप्शन नंबर डी मेन डायमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉशर को हम लोग जनरली स्पेसिफाई करते हैं इसका जो होल डायमीटर होता है उसका हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। व्हिच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ ए लार्ज फ्लैट सर्फेस, तो कोई भी एक बड़ा फ्लैट सरफेस है उसका अगर सिर्फ सेंटर पोर्शन को अगर हम लोग को स्क्रैपिंग करना पड़ता है तो स्क्रैपर किस मटेरियल से बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है। ओके, आप बोल सकते हैं जो फाइल होता है, फाइल अगर ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग स्क्रैपर में बना देते हैं, तो हाई फिनिशिंग पाने के लिए हम लोग स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी बोला है कि लार्ज फ्लैट सर्फेस का सेंटर पोर्शन को स्क्रैपिंग करना है मतलब अच्छा फिनिशिंग देना है, तब हम लोग को कौन सा स्क्रैपर यूज़ करना चाहिए, फ्लैट स्क्रैपर या हुक स्क्रैपर या ट्राइंगुलर स्क्रैपर या बुलो स्क्रैपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुक स्क्रैपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हुक टाइप का ऐसे होता है तो ये हुक का इस्तेमाल करके इसमें हम लोग स्क्रैपिंग कर सकते हैं, लार्ज फ्लैट सर्फेस का सिर्फ सेंटर पोर्शन का हम लोग स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ओके, अगर फ्लैट स्क्रैपर का बात करते हैं तो अगर कोई भी फ्लैट सर्फेस है तो फ्लैट सर्फेस में स्क्रैपिंग करने के लिए फ्लैट स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगुलर स्क्रैपर जिसको थ्री स्क्वायर स्क्रैपर बोलता है, तो इसको हम लोग कोई भी एक होल है, स्मॉल डायमीटर होल है, तो उसका अंदर उसको फिनिशिंग करने के लिए, स्मॉल डायमीटर होल को फिनिशिंग करने के लिए और इसका अंदर जो बर्स रहता है बर्स को हटाने के लिए मतलब डिबरिंग करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। और बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब लार्ज साइज का बियरिंग रहता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज का बियरिंग रहता है, तब हम लोग उधर फिनिशिंग के लिए बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। टूल चैटर इज कॉज्ड बाई व्हिच रीजन, टूल चैटर होने का कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल जब कम होता है तब टूल चैटर होता है। ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल, ज़्यादा अगर क्लियरेंस एंगल हो जाएगा तब होता है। ऑप्शन नंबर सी स्मॉल रेक एंगल, ऑप्शन नंबर डी एक्सेसिव रेक एंगल, ज़्यादा अगर रेक एंगल हो जाएगा तब टूल चैटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जब एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल हो जाता है, ज़्यादा अगर क्लियरेंस एंगल हो जाता तब टूल चैटर करता है, इसीलिए एक स्पेसिफिक क्लियरेंस एंगल हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जगह में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट के बीच में डाउट रहता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर लेस क्लियरेंस एंगल या स्मॉल क्लियरेंस एंगल देता है, लेकिन वो गलत आंसर है, एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल राइट आंसर हो जाएगा टूल चैटर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की एसआई इकाई क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी केल्विन, ऑप्शन नंबर सी फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वॉशर इज यूज टू, वॉशर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कवर द होल क्लियरेंस ऑफ द जॉब, जॉब का होल क्लियरेंस को ढकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव टूल कैपेसिटी, टूल क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्ट द बोल्ट अगेंस्ट क्लैंपिंग, बोल्ट को क्लैंपिंग होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूट फोर्स ओवर ए लार्ज एरिया, बोल्ट को क्लैंपिंग करने के बाद जब उसमें फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उस फोर्स को
मतलब बड़ा सा जगह में उसको फैला देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट फोर्स ओवर ए लार्ज एरिया। तो जब भी ऐसे कोई भी बोल्ट है उसमें जब भी अगर हम लोग नाट को हम लोग फास्टनिंग करते तब क्या होता है, इसमें फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स जो रहता है, तो ऐसे अगर सोचो कोई भी सरफेस होता है तो इसमें हम लोग टाइट करें तो जब भी टाइट करेंगे तो टाइट होते जाएगा, तो इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स तब क्या रहेगा, इधर ही रहेगा। तो इसमें अगर एक वॉशर ऐसे दे देता है तो क्या हो जाएगा, बड़ा जगह में फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द ड्रिलिंग मशीन यूज्ड व्हेन नो इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। बिजली उपलब्ध ना होने पर उपयोग की जाने वाली ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए रैचेट ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं ड्रिलिंग मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ज़रूरत होना पड़ता, लेकिन कौन सा ड्रिलिंग मशीन में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहता फिर भी उसको हम लोग चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, रैचेट ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ड्रिलिंग मशीन के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्केल 1:2 इन ए ड्राइंग इंडिकेट्स। जो 1:2 होता है इस स्केल को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है 2:1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनलार्जिंग स्केल, ठीक है। तो ड्राइंग जिसने भी किया है, ड्राइंग सब्जेक्ट में आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो 1:2 मतलब होता है रिड्यूसिंग स्केल। जो जॉब का साइज होता है, जॉब का साइज हो तो सोचो अगर 100 होता है तो 1:2 मतलब क्या होता है, इसको रिड्यूस करके हम लोग क्या करते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। तो जॉब का साइज अगर 100 रहता है तो उसको हम लोग छोटा डायमेंशन लेते हैं, मतलब उसको हम लोग रिड्यूसिंग स्केल में लेते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो इस रेशियो में होगा तो ये जो स्केल होता है इसको रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं, मतलब जॉब का जो साइज होता है उससे हम लोग कम साइज लेते हैं तो उसको रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ड्रॉइंग मेड इज हाफ ऑफ द जॉब साइज। जो जॉब का साइज होता है उससे हाफ जो साइज होता है वो हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फ्लैश पिन गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ होल। फ्लैश पिन गेज का मदद से हम लोग होल का कौन सा चीज़ को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ, ऑप्शन नंबर सी थिकनेस, ऑप्शन नंबर डी थ्रेड। तो कोई भी एक होल है सोचो, तो होल का जो डेप्थ होता है कितना डेप्थ है उसको चेक करने के लिए हम लोग फ्लैश पिन गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन SS304। SS फुल फॉर्म होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील 304 में कौन सा तत्व, मतलब कौन सा एलिमेंट मौजूद नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, जिसका केमिकल सिंबल होता है AU। ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी निकेल, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SS304 में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो गोल्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, AU इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ऐसे अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा स्टेनलेस स्टील मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या आयरन तो रहता है, तो आयरन जिसमें रहता है तो वो तो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होगा। लेकिन SS स्टील का मतलब स्टेनलेस स्टील का अलग अलग जैसे टाइप होता है, जैसे SS304, SS316, तो SS316 जो होता है ये मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेम टू सेम क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है, तो आप लोग फिर भी एक बार आंसर दे देना। तो एक क्वेश्चन में लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो 49 क्वेश्चन ऐसे आप लोग को पेपर में देखने को मिलेगा लास्ट में, और एक क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा तो उसमें आप लोग देख लेना, तब आप लोग का आज का क्लास में 50 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ केल्विन, तो के से हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। SI यूनिट होता है टेम्परेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाई कार्बन स्टील आर मैसेंड यूजिंग टूल्स हैविंग। हाई कार्बन स्टील को अगर हम लोग को मैसेनिंग करना है तो इसके लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो हाई कार्बन स्टील मतलब इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, ओके।
कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो हार्ड ज़्यादा होने के कारण हम लोग को कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा, कार्बाइड टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कार्बाइड टूल में कौन सा डेक एंगल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव डेक एंगल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव डेक एंगल। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फॉर कटिंग एन एल्यूमिनियम ब्लॉक टू स्मूथ फिनिश व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कट ऑफ फाइल इज मोस्ट सुइटेबल। तो कोई भी एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है तो इसको कट के स्मूथ फिनिश देना है, तो कौन सा कट ऑफ फाइल का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सिंगल कट, ऑप्शन नंबर बी डबल कट, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर कट, या आप बोल सकते हैं कर्व कट, ऑप्शन नंबर डी रफ्स कट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, सिंगल कट फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट मटेरियल को कटने के लिए, सॉफ्ट मटेरियल को फाइलिंग करने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम ब्रास होता है। तो इसमें अगर फिनिश अच्छा देना होता है तो हम लोग को सिंगल कट फाइल हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डबल कट फाइल हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब रफ फाइलिंग हम लोग को करना पड़ता है, और जब हम लोग को स्टील को फाइलिंग मतलब हार्ड जॉब को फाइलिंग करना पड़ेगा तब हम लोग डबल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डीपर कटिंग एक्शन के लिए हम लोग कौन सा फाइल का इस्तेमाल करते हैं, कर्व कट फाइल या सर्कुलर कट फाइल आप लोग बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ ए हैंड ड्रिमर डिफर्स फ्रॉम ए मशीन ड्रिमर, एक हैंड ड्रिमर मशीन ड्रिमर से कैसे भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए लार्जर बीवे लीड फॉर कटिंग एजेस, ऑप्शन नंबर बी मोर नंबर ऑफ कटिंग टीथ, ऑप्शन नंबर सी लेस नंबर ऑफ कटिंग टीथ, ऑप्शन नंबर डी अनइक्वल स्पेसिंग ऑफ कटिंग एज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंड ड्रिमर का साथ मशीन ड्रिमर का डिफरेंस क्या होता है, मतलब एक किससे भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लार्जर बीवे लीड फॉर कटिंग एज, ठीक है। तो क्यों इसका लार्जर बीवेल लीड होता है, क्योंकि जब भी ए हैंड ड्रिमर में लार्जर बीवेल लीड दिया जाता है मतलब कोई भी अगर होल है तो होल का अंदर वो स्ट्रेट वो इजीली जा सकता है, क्योंकि ये फ्रंट पोर्शन क्या होता है टैपर होता है, तो इजीली उसका अंदर चला जाएगा और वो ड्रिमर को अलाइनमेंट कर सकता है इजीली, इसीलिए हम लोग लार्जर बीवेल लीड का इस्तेमाल करते हैं हैंड ड्रिमर में। तो समझ में आया है क्यों हैंड ड्रिमर में टैपर लीड लॉन्ग होता है, क्योंकि ए होल का अंदर स्ट्रेटली जा सकता है, स्ट्रेट जाएगा और इसको मतलब ड्रिमर को वो इजीली सेल्फ अलाइनमेंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट, व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट में कौन सा कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन कर दिया हूँ, ऑप्शन नंबर ए प्लेट कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी क्लैंप कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी स्लिप टाइप कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट में हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें टू योक हब रहता है और इसे कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो टू योक हब होता है और एक ट्रूनियन क्रॉस होता है, ठीक है। तो एक ट्रूनियन क्रॉस में ये टू योक हब रहता है, ये इसका साथ मैच कर जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्जर एंगल, लार्जर एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। तो आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कितना डिग्री एंगल में यूनिवर्सल कपलिंग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो 20-30 डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कौन सा बियरिंग इस्तेमाल होता है, नीडल रोलर बियरिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, व्हिच इज द फॉल्स रीडिंग मेजर्ड फ्रॉम ए 0-25 मिलीमीटर मेट्रिक माइक्रोमीटर। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, मेट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, ओके। और 0-25 मतलब क्या होता है, उसका रेंज होता है माइक्रोमीटर का, जैसे 0-25 होता है, 25-50 होता है, 50-75, 75-100 ऐसे 25-25 करके बढ़ते जाता है। तो इसमें बोला 0-25 जो माइक्रोमीटर का रेंज है, मेट्रिक माइक्रोमीटर का रेंज है, तो इसमें से कौन सा रीडिंग हम लोग चेक नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। तो इसको तो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इसको मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग के लिए आप लोग जानते हैं इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर, मतलब इसका 2 डिजिट तक ही होगा, लेकिन इसका 3 डिजिट तक हो गया, मतलब क्या होगा, ये मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का आप बोल सकते हैं एक
एक मेज़रमेंट हो गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि इसका लिस्ट काउंट तो एक्चुअली 2 डिजिट तक है, तो 3 डिजिट तक कैसे जाएगा? तो तभी जाएगा अगर मेट्रिक भरने माइक्रोमीटर का बात करते तब ये वाला ऑप्शन ठीक होता, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20.022 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हॉट चीजल इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट सेट। हॉट चीजल को हॉट सेट भी हम लोग कहते हैं। इसका कटिंग एंगल कितना डिग्री होता है? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 12 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी आंसर मैं पहले ही बता दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। ठीक है, तो हॉट चीजल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोर्जिंग का टाइम, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सर ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन फॉर फाउंडेशन। कोई भी अगर फाउंडेशन करना है तो उस फाउंडेशन में कॉन्क्रीट मिक्सर का रेशियो, प्रॉपर रेशियो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2:1:4, ऑप्शन नंबर बी 4:2:1, ऑप्शन नंबर सी 4:1:2, ऑप्शन नंबर डी 1:2:4। तो एक्चुअली अगर फाउंडेशन करना है तो कॉन्क्रीट मिक्सर का प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, सीमेंट रहता है 1, ओके, और सैंड रहता है 2, और जो पत्थर रहता है स्टोन रहता है 4। ठीक है, तो 1:2:4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, सीमेंट सैंड और स्टोन का ए रेशियो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी ब्रोंज, ऑप्शन नंबर डी लीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोंज। तो आप देख सकते हैं आज का क्लास में नया नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो नॉन रिटर्न वाल्व को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं? चेक वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसमें पूछे जाता है कि नॉन रिटर्न वाल्व में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉल या नीडल या फ्लैप का इस्तेमाल करते हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा फ्लैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, द पार्ट ऑफ द शाफ्ट दैट इज इनसाइड द बियरिंग इज कॉल्ड। शाफ्ट का वो भाग जो बियरिंग के अंदर होता है उसको क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इनर डिस्क, ऑप्शन नंबर बी आउटर डिस्क, ऑप्शन नंबर सी केस, ऑप्शन नंबर डी जर्नल। तो शाफ्ट का कौन सा पार्ट बियरिंग के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जर्नल पार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लीड हैज़ नो इफेक्ट ऑफ। लीड का डैश का कोई प्रभाव नहीं होता है, वाटर, हीट, एसिड या एटमॉस्फेयर। तो लीड का एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एसिड रेजिस्टेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, जो इजी क्वेश्चन होगा उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ नहीं है। बोला है प्रोसेस चार्ट शो द, एक प्रक्रिया चार्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? इंस्पेक्शन रिपोर्ट, परचेस ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंस ऑफ टूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होगा, एक एक ऑपरेशन एक एक बाद होगा, तो इस सीक्वेंस को हम लोग कैसे शो करते हैं? प्रोसेस चार्ट में शो करते हैं। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस इन बॉल बियरिंग इज, बॉल बियरिंग में अनुभव किया गया घर्षण डैश है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी ड्राई फ्रिक्शन। तो बॉल बियरिंग में क्या होता है? बॉल बियरिंग में आउटर डैश रहता है, इनर डैश रहता है, उसका बीच में रोलिंग एलिमेंट रहता है। तो ये क्या होता है? रोलिंग होते रहता है, घूमते रहता है, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन होने वाला है। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग रिमिंग मेटल इज कट डैश mm टू डैश mm। रिमिंग का दौरान धातु को डैश से डैश मिलीमीटर तक काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.06 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.08 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 0.1 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली आप लोग जानते हैं रिमिंग हम लोग किसके लिए करते हैं? होल का साइज को एनलार्ज करने के लिए और होल का फिनिशिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रिमिंग का मदद से हम लोग मेटल भी करते हैं। तो कितना एमएम मेटल करते हैं? बहुत ही कम मेटल करते हैं, 0.02 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर तक मेटल हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया। रिमर का मदद से हम लोग बहुत ही कम मेटल काटते हैं, इसीलिए इसका फिनिश बहुत ही अच्छा होता है। तो 0.02 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर तक मेटल हम लोग रिमर का मदद से काटते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी आपका जंग प्रतिरोधक ट्रीटमेंट है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर बी गैल्वनाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी होनिंग, ऑप्शन नंबर डी लैपिंग। तो लैपिंग, होनिंग, गैल्वनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका बारे में मैं एक वीडियो में बता दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, करके कोई भी एक मेटल के ऊपर और एक मेटेलिक कोटिंग हम लोग देते हैं, जो परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग इस ट्रीटमेंट को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं। क्विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर स्टेनलेस स्टील कटिंग। स्टेनलेस स्टील को कटिंग करने के लिए कौन सा कटिंग ऑयल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ग्रीस, वाटर, सल्फर बेस, मिनरल। ऑप्शन नंबर सी नान ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर बेस मिनरल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील को कटिंग करते टाइम। ओके, जो भी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का कुछ नहीं है, इसको हम इजीली जस्ट देख के जाएंगे और आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लास्टिक मेटेरियल यूज्ड फॉर बियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री नहीं होता है? तो क्या क्या सामग्री यूज होता है वो मैं आप लोग के साथ पहले ही बता दिया हूँ। रेगुलर क्लास आप लोग अगर देखते हैं, वीडियो अगर रेगुलर आप लोग देखते हैं, तो आप लोग के लिए कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बियरिंग के लिए कौन सा प्लास्टिक मटेरियल नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए फेनोलिक, ऑप्शन नंबर बी कार्बन ग्राफाइट, ऑप्शन नंबर सी पॉली कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पॉली कार्बोनेट। तो बियरिंग बनाने के लिए, बियरिंग का मटेरियल के लिए हम लोग पॉली कार्बोनेट का एज ए प्लास्टिक मटेरियल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द कटिंग टूल विथ सेवरल थाउजेंड ऑफ कटिंग एजेस इज। कई हजार कटने वाला किनारों वाला कटने का उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए लेथ कटिंग टूल, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन नंबर डी मिलिंग कटर। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर टूल का एक ही पॉइंट से काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जैसे लेथ कटिंग टूल होता है। ओके, इसके बाद स्लॉटर मशीन या सेपर मशीन में जो यूज़ होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, क्योंकि एक ही पॉइंट से काटता है। और एक से ज़्यादा पॉइंट, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फाइल होता है, या अगर हम लोग बात करते हैं स्क्रैपर होता है, या ग्राइंडिंग व्हील होता है, मिलिंग कटर होता है, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा कटिंग एज रहता है कटने के लिए, कटिंग एज से कटता है। ठीक है, लेकिन इसमें बोला कई हज़ार कटिंग एज रहता है, तो कई हज़ार कटिंग एज किस में रहता है? सबसे ज़्यादा रहता है ग्राइंडिंग व्हील में, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील हम लोग बनाते हैं एब्रेसिव और बॉन्ड का मदद से। तो एब्रेसिव में क्या होता है, छोटा छोटा कोना रहता है, एब्रेसिव कोना रहता है, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड है सोचो। इसके बाद बॉन्ड का साथ इसको मिक्स करके क्या होता है, हम लोग बनाते हैं ग्राइंडिंग व्हील। तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा एब्रेसिव कणा रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक एब्रेसिव कणा तो मटेरियल को कटेगा, तो एक एक कटिंग एज होता है, तो कई हजार कटिंग एज किसका रहता है, ग्राइंडिंग व्हील में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मेटल पाउडर यूज इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील इज। स्टील के थर्मिट वेल्डिंग में प्रयुक्त धातु पाउडर डैश है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी लेड, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो थर्मिट वेल्डिंग के लिए हम लोग कौन सा मेटल पाउडर इस्तेमाल करते हैं? तो थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, इसका बारे में मैं सेल का क्लास लेते टाइम अच्छा से डिस्कस कर दिया हूँ, कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते वो भी मैं बता दिया हूँ। रेलवे लाइन में अगर क्रैक होता है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ज़रूरत नहीं पड़ता, जस्ट केमिकल रिएक्शन करके हम लोग इस वेल्डिंग को कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, उसी वीडियो का लिंक मैं आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो थर्मिट वेल्डिंग के लिए हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लेवलिंग बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर। लेवलिंग बोल्ट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सपोर्टिंग द लोड ऑफ द मशीन,
मशीन का लोड को सपोर्ट देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी एडजस्टिंग द हाइट ऑफ द मशीन, मशीन का हाइट को एडजस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी रिजिडिटी ऑफ द मशीन, मशीन को रिजिडिटी दृढ़ता का बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में जो भी ऑप्शन है उसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लेवलिंग बोल्ट होता है उसका मदद से हम लोग मशीन का हाइट को एडजस्ट करते हैं। अगर हाइट को इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है, तो लेवलिंग बोल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है फाउंडेशन बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट का मदद से हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर रहता है, फ्लोर या बेस जो रहता है उसका साथ हम लोग मशीन को फाउंड करते हैं या हम लोग उसको फास्टनिंग कर देते हैं, बांध देते हैं। उसका मदद से क्या होता है, मशीन इधर उधर हिलता नहीं है, वो फिक्स पोजिशन में रह जाता है, उसको फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द करेक्ट आंसर, सही उत्तर खोजिए। ऑप्शन नंबर ए वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, वन मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आप लोगों को लग रहा है थोड़ा अलग अलग, वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, वन मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, सबसे ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होने वाला बात ये देख के आप लोग इसको ऑल ऑफ दिस नहीं लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये होता है सेंटीस्मॉल सिस्टम, सेंटी स्मॉल सिस्टम मतलब फ्रेंच सिस्टम में ए होता है। ठीक है, तो वन राइट एंगल को 100 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, 100 ग्रेड को 100 मिनट में डिवाइड करते हैं, और एक मिनट को 100 सेकंड में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वार्टर ज्वाइंट इज यूज टू ट्रांसमिट, क्वार्टर ज्वाइंट किसको ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सियल टेंसाइल लोड, एक्सियल टेंसाइल लोड, ऑप्शन नंबर बी एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ऑप्शन नंबर सी कॉम्बाइंड एक्सियल एंड ट्विस्टिंग लोड ओनली, ऑप्शन नंबर डी एक्सियल टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव लोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्टर ज्वाइंट इस्तेमाल करके हम लोग एक्सियल टेंसाइल लोड और कॉम्प्रेसिव लोड को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेल का पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उधर से मैं एक दो क्वेश्चन कॉपी भी किया हूँ, तो आप लोगों का देखना चाहता हूँ प्रिपरेशन कैसा है, इसीलिए मैं पिछला जो क्लास है, पिछला जो पेपर मैंने सॉल्व किया हूँ, उधर से एक दो क्वेश्चन मैं उठा के आप लोगों के लिए देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल में आदर्श रूप से डैश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जीरो डेक, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव डेक, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव डेक, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल डेक एंगल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड कटिंग टूल में कोई भी रेक एंगल का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और थ्रेड कटिंग टूल को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज का इस्तेमाल करते हैं, सेंटर गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 अब देख सकते हैं, ये हाइड्रोमीटर वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक हाइड्रोमीटर कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, न्यूटन्स लॉ, मिक्सिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर डी बुयंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुयंसी। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये एक्चुअली काम करता है। अगर प्रिंसिपल का बात करता तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर ऑप्शन में रहता तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो जाता, लेकिन इसमें जो फोर्स होता है बुयंट फोर्स होता है। सोचो इसमें एक कंटेनर इतना पानी है, इसके ऊपर एक ऐसा कोई भी एक सब्सटेंस है जिसको अगर हम लोग इसको डुबा देते पानी के अंदर, तो जितना इसका वेट है, इस सब्सटेंस का जितना वेट है, उतना क्या होता, वो वाटर भी डिस्प्लेस हो जाता, मतलब उधर से निकल जाता है। और ये जब मतलब सब्सटेंस को डालते हैं और नीचे तरफ से क्या होता है, ये नीचे से ऊपर तरफ एक फोर्स आता है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, मतलब ये नीचे से ऊपर तरफ फोर्स आता है, क्योंकि सब्सटेंस ऊपर से नीचे तरफ आएगा और ये नीचे से ऊपर तरफ एक फोर्स आता है जिसको बोन्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर बोन्सी का कॉन्सेप्ट में कम करता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर क्या करता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आप देख सकते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली, बियरिंग असेंबली में बॉल बियरिंग का कौन सा पार्ट कभी रोटेट नहीं होता, कभी घूमता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बॉल केज, ऑप्शन नंबर बी इनर डेस, ऑप्शन नंबर सी आउटर रेस, ऑप्शन नंबर डी रोलिंग एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आउटर रेस होता है, आउटर रेस तो ऊपर वाला रेस होता है, नीचे तो इनर रेस होता है, इनर रेस घूमता है लेकिन आउटर रेस नहीं घूमता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, और एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं दो बार टाइप किया था, तो और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करूँगा इस क्वेश्चन का बाद भी।
रोलर्स आर वेरी स्मॉल डायमीटर आर कॉल्ड, जो बियरिंग में रोलर बहुत ही स्मॉल डायमीटर में होता है, स्मॉल डायमीटर अगर रोलर होता है तो वो कौन सा बियरिंग में होता है, एंगुलर बियरिंग, केज रोलर, ऑप्शन नंबर सी नीडल बियरिंग, ऑप्शन नंबर डी रेस रोलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नीडल बियरिंग होता है उसमें वो कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर कॉन्जेस्टेड प्लेस होता है या बहुत ही मतलब लिमिटेड जगह होता है, उधर हम लोग नीडल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो रोलर का जो साइज होता है वो भी स्मॉल डायमीटर में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक 49 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा पाया हूँ, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों को कितना प्रिपरेशन हुआ है और आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, थ्रेड्स ऑन नॉन मेटल आर प्रोड्यूस जनरली बाय, अगर कोई भी नॉन मेटल का ऊपर थ्रेड को कटना है, धागे कटने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, टैप एंड डाई, ऑप्शन नंबर बी चेजर, ऑप्शन नंबर सी थ्रेड रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी कास्टिंग एंड मोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नॉन मेटल का ऊपर थ्रेड कटने के लिए हम लोग कास्टिंग और मोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड कास्टिंग जिसको कहते हैं। इसमें हम लोग को जो थ्रेड मिलता उतना प्रिसीजन नहीं मिलता, इसमें क्रूड थ्रेड मिलता, मतलब बहुत ही ख़राब थ्रेड मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो कोई भी नॉन मेटल का ऊपर अगर थ्रेड कटना है, क्रूड थ्रेड कटना है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बेकार जो ख़राब हुआ थ्रेड होता है, तो वो कटना है तो हम लोग को कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस हम लोग फॉलो करके थ्रेड को कट सकता है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग को कितना मार्क्स आया है और आज का पेपर आप लोग को कैसे लगा है, पेपर का लेवल कैसा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, जितना ज़्यादा हो सके दोस्त का साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।